मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिली। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। आर्यन की पैरवी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी कर रहे हैं। रोहतगी की एक दलील पर यूजर्स उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक ने तो यहां तक कह दिया कि ये सदी का सबसे बड़ा सवाल है। रोहतगी ने पैरवी के दौरान कोर्ट से कहा कि न आर्यन ने ड्रग्स कंज्यूम की, न ही उसके पास से कुछ बरामदगी हुई है, तो फिर वो 20 दिन से जेल में क्यों है। गौरतलब है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन पर NDPS एक्ट के तहत ड्रग्स रखने और इसके इस्तेमाल करने का आरोप है। रोहतगी की दलील के बाद यूजर्स के मिले जुले रिएक्शन थे। एक ने कहा कि आर्यन के 20 दिन कौन वापस ला कर देगा, उसकी माँ का जन्मदिन और पेरेंट्स की सालगिरह भी छूट गई है। एक यूजर्स ने रिग लिखा, कल्पना कीजिए अगर आर्यन वाकई में क्रिमिनल होता तो। एक यूजर्स ने लिखा, बिल्कुल सही सवाल, मेरा भी है, वह जेल में क्यों है, वे उसे रिहैब सेंटर भेज सकते हैं, जेल में ही क्यों भेजा। सुनवाई के दौरान रोहतगी ने हाई कोर्ट से कहा है कि मुझे विटनेस नंबर 1 और 2 यानी प्रभाकर सैल और KP गोसावी से कोई मतलब नहीं है, नहीं मैं उन्हें जानता हूँ। रोहतगी ने कहा है कि ये नए लड़के हैं, इन्हें सुधार गृह में भेजा जा सकता है, इन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए था। मैंने अखबारों में भी पढ़ा है कि सरकार सुधार के बारे में बात करे। दोस्तों, आप आर्यन खान के नए वकील यानी मुकुल रोहतगी की इस बात से कितने सहमत हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस मुद्दे से और बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।